हाय फ्रेंड, दिस इज संजीव। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताना जा रहा हूँ कि कैसे एक एलईडी बल्ब को आप घर पे ही रिपेयरिंग कर सकते हो। फ्रेंड, सबसे पहले इस कवर को खोलना पड़ेगा। मैं पहले से इसको खोल कर रखा था, सो इजीली ये खुल गया। अब देखिए, इसके अंदर कुछ एलईडी एक साथ एक पोर्ट में है जो कि सब सीरीज में कनेक्टेड है। एलईडी लैम्प का 90% फॉल इस एलईडी बोर्ड के कारण ही होता है, क्योंकि ये सब सीरीज में है और एक एलईडी खराब होने पर पूरा बल्ब ही नहीं ग्लो करता। और बता दूं कि ये फिलिप्स का 12 वाट एक एलईडी बल्ब है जिसका रिप्लेसमेंट जो प्योर होता है वो निकल गया। अभी इसको हमें रिपेयरिंग करना होगा। अब देखते हैं इसका कोई फॉल्ट इस पोर्ट में है कि अंदर है। ज़्यादातर फॉल्ट इस एलईडी के कारण ही होता है। सो देखिए, ये सब जो है एलईडी, ये सब इस सीरीज में कनेक्टेड है और हमें लगता है कि इसमें से कोई एलईडी खराब होने पर पूरा बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। देखिए, इसमें कुल 14 एलईडी कनेक्टेड है सीरीज में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कुल 14 एलईडी कनेक्टेड है सीरीज में। अब हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा, पूरा एक और लेके दोनों टर्मिनल पर हम शॉर्ट करके देखेंगे कि इनमें से कोई एलईडी खराब है कि नहीं। चलिए देखते हैं। अभी हम इस और को लेकर देखेंगे कि कौन सी एलईडी खराब है। हर एलईडी के दोनों टर्मिनल हैं दोनों साइड पर, और इस वायर को लेकर हम देखेंगे कि कौन सी एलईडी खराब है। देखिए, ये ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब ये ठीक है। जो एलईडी ग्लो नहीं करेगा मतलब वो एलईडी बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये भी नहीं ग्लो किया मतलब ये ठीक है। और जो एलईडी को हम शॉर्ट करके देखेंगे कि पूरा बल्ब ग्लो कर रहा है मतलब वो एलईडी में कोई दिक्कत है, वो एलईडी खराब हो चुका है। अभी देखिए, ये ग्लो नहीं कर रहा है, ये भी ग्लो नहीं किया, ये भी ग्लो नहीं किया, ये भी नहीं ग्लो किया, ये भी नहीं ग्लो किया, ये कह रहा है। देखो, ये शॉर्ट करके हम देख रहे हैं कि ये ग्लो कर रहा है मतलब इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है। अभी हम तो इसको रिप्लेस भी कर सकते थे पूरा बोर्ड, लेकिन हम इसको सिर्फ शॉर्ट कर देंगे सोल्डरिंग आयरन से। पूरा रिप्लेस नहीं नहीं कर रहा है, पूरा रिप्लेस थोड़ा सोल्डरिंग आयरन से हम दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, दोनों टर्मिनल को हम सोल्डरिंग आयरन से शॉर्ट कर देते हैं। अच्छी तरह से शॉर्ट करना होगा, बाद में कोई दिक्कत ना आ जाए इसलिए। और पूरा एलईडी बोर्ड को ना रिप्लेस करके मैं सिर्फ इस एलईडी को शॉर्ट कर दिया। अभी देखते हैं इसको कि ये ग्लो कर रहा है कि नहीं ग्लो कर रहा है, चेक करके देखेंगे। देखिए, ये पूरा ग्लो कर रहा है मतलब ये ठीक हो चुके हैं। अभी इसको इस कैप को इसको अंदर डालना पड़ेगा, और डाल दिया। और इसी तरह से आप भी घर पे ये ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।